attention. What happened? You are looking tense today. I am on tenter hooks, waiting for my result. एज यू सॉ हर शी वॉज डैम नर्वस, काफी नर्वस थी और नर्वस के कारण उन्होंने पूछा वॉट हैपन यू आर लुकिंग टेंस टूडे. शी स्पोक आई एम ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर माई रिजल्ट. टेंटर हुक, टू बी ऑन टेंटर हुक्स, इसका मतलब ये है वेटिंग समथिंग टू हैपन नर्वसनेसली. नर्वसली यू आर वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन. आप बहुत नर्वस हैं और उस चीज़ को होने का इंतजार कर रहे हैं, ये होने वाला है, उसके लिए बहुत नर्वस हैं, पता नहीं क्या होगा, अच्छा होगा बुरा होगा, पता नहीं क्या होने वाला है. तब जब उस समय वेट कर रहे हो, कांप रहे हो, डर रहे हो, उसे बोलते हैं आई एम ऑन टेंटर हुक्स. उसी तरीके जैसे आपने इंटरव्यू देके आए, आपको बताया गया आप बाहर वेट करिए, आपको रिजल्ट बताया जा बहुत जल्दी बताया जाएगा. तो उस समय आप बैठे हुए हो सिचुएशन में, वहाँ वेट कर रहे हो आप ऐसे करके, एक्साइटेड बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, तो आप बोल सकते हो आई एम ऑन टेंटर हुक्स. कैंडिडेट्स सिटिंग आउटसाइड आर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स. सिमिलरली सीजन आता है हर किसी भी बिजनेस का, कुछ का, तो इस बार इस सीजन का हमें इंतजार है, मतलब डर रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा पता ही नहीं है. तो दे आर अगेन ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर दिस सीजन. और कुछ इंस्टेंस ले सकते हो इसके, आप इलेक्शन के दौरान आप देखेंगे, इलेक्शन दौरान काफी सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वो सभी कैंडिडेट्स मतलब एक्साइटमेंट में, नर्वसनेस में इंतजार करते हैं पोल्स का, रिजल्ट का. ऑल द पॉलिटिशियंस वर ऑन टेंटर हुक्स वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट्स ऑफ देयर करियर. इस तरह से बना सकते सेंटेंस को. और टेंटर हुक मतलब ये है नर्वसनेसली किसी चीज़ का वेट करना, किसी चीज़ के होने का इंतजार करना. कभी कभी ऐसा होता है स्पीच को लोग सुनने आते हैं, एक्साइटमेंट बैठे होते हैं, पता नहीं क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, तो वी आर ऑन टेंटर हुक्स अनटिल यू स्पीक व्हाट इज गोना हैपन टुमारो. हमें बताइए क्या है तो हम ऐसे एक्साइटेड रहेंगे. तो ऑन टू बी ऑन टेंटर हुक्स ये सब यूज कर सकते हो. इंग्लिश सीखने वेस्ट. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.